हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस बार जो बीपीएससी 64 प्री का जो रिजल्ट है वो हमें लगता है कि 17 से 18 फेब तक आएगा। 17 से 18 फरवरी तक आ जाना चाहिए, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि दोस्तों जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद पूरे 100 दिन का समय मेंस के लिए दिया जाता है। किसी भी आयोग में मेंस का जो दिन होता है वो 100 दिन लगभग दिया जाता है, तो इसलिए यदि अगर हम फरवरी 18 को देखें तो इसके बाद मार्च मार्च लेते हैं और अप्रैल, उसके बाद मई। तो यदि हम मार्च को हम देखें तो 30 डेज और अप्रैल भी 30 डेज का होता है और मई भी कहीं ना कहीं 30 डेज का ही 30 से 31 दिन का होता है। तो यहाँ वाला जो 10 दिन है यानी कि 29 फेब, तो इसका यदि हम 10 डे काउंट कर लें तो इस तरह से हमारा 10 दिन ये वाला पार्ट्स, 10 दिन ये वाला पार्ट्स, और उसके साथ ये जो 30 डे है मार्च का और अप्रैल का जो 30 डे है, और ये पूरे मिला करके 100 डेज हो जाते हैं, 100 डेज हो जाते हैं, 100 डेज कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बीपीएससी का मानक है 100 डेज, तो उसके अनुसार ये हो जा रहा है, बीपीएससी का मानक के अनुसार हो जा रहा है। तो हमें लगता है कि यही 17 से 18 जो फेब है उसी समय ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कहीं ना कहीं 17 से 18 फेब्रुअरी तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद वही 100 डेज मिलेंगे तैयारी करने के लिए आपको। तो बीपीएससी जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसी कारण वो देर भी कर रहा है अनाउंस करने में, देर कर रहा है, तो हमें यही लगता है कि 17 से 18 फरवरी तक आ जाना चाहिए। धन्यवाद।